नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं होंडा डियो नई मॉडल 2023 के बारे में, जो इंडिया में लॉन्च किया गया है। इस वीडियो में हम देखेंगे इसके खास फीचर और अपग्रेड्स को, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी प्राइस की। तो देखिए दोस्तों, तीन अलग अलग वेरिएंट में जो है हमें बाइक देखने को मिलती है। होंडा डियो स्टैंडर्ड की प्राइस ऑन रोड हमें देखने को मिलती है ऑलमोस्ट 89,514 की। इसके अंदर आपको ड्रम ब्रेक, स्टील व्हील देखने को मिल जाते हैं। अगर हम बात कर लेते हैं इसके डियो डिलक्स की सेकेंड वेरिएंट की, तो 94,447 ऑन रोड प्राइस की देखने को मिल जाती है। इसके अंदर भी आपको ड्रम ब्रेक्स और स्टील व्हील देखने को मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं थर्ड एंड लास्ट वेरिएंट की, जो कि है डियो एच स्मार्ट, जिसकी ऑन रोड प्राइस हमें देखने को मिलती है 98,417 ऑन रोड प्राइस। इसके अंदर आपको अलॉय व्हील्स देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ में ड्रम ब्रेक्स इसके अंदर दिए गए हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो आपको सारी जानकारी समझ में आ चुकी होगी। अब बात कर लेते हैं बाइक की ओवरऑल प्रोफाइल की एंड लुक्स एंड डिजाइन की। होंडा डियो जो है आपको टोटल 9 डिफरेंट कलर्स में देखने को मिल जाती है। ये जो आप बाइक देख रहे हो, ये जो है हमें रेड मेटालिक डिलक्स में देखने को मिल जाती है। डुअल टोन कलर आपको जो इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। फ्रंट साइड से कुछ इसका लुक इस तरह से दिखाई देता है। बहुत ही बढ़िया से LED हेडलैम्प्स, टर्न इंडिकेटर और साथ ही साथ में ऊपर के साइड में आपको DRLs देखने को मिलेंगे और जस्ट ही उसके ऊपर जो है हमें होंडा की बैजिंग देखने को मिल जाती है। फ्रंट प्रोफाइल काफी बढ़िया, काफी एग्रेसिव इसकी देखने को मिलती है। दोस्तों अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है फ्री डीमैट अकाउंट ओपनिंग लिंक दे दी है, वहां से आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जाइए जल्दी से जल्दी आपका जो है फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए। बाइक के अगर हम फ्रंट सस्पेंशन की बात करेंगे, तो यहाँ पे हमें टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिल जाता है और रेयर सस्पेंशन जो है यूनिट स्विंग हमें इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। ब्रेकिंग सिस्टम आपको इसके अंदर CBS देखने को मिलेंगे। फ्रंट ब्रेक टाइप की बात करेंगे तो ड्रम में मिलेगा और फ्रंट ब्रेक साइज जो है 130mm के जो है इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। रेयर ब्रेक भी जो है आपको इसके अंदर ड्रम देखने को मिल जाता है और यहाँ पे कैलिपर जो है इसके अंदर नहीं होते हैं। दोस्तों डियो में जो है आपको मिलता है एक फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जो आपको सारी जरूरी जानकारी जो है दिखाता है, जैसे कि स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज और ट्रिप मीटर और भी बहुत कुछ इंफॉर्मेशन आपको जो है जरूरत पड़ती है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। और फ्रंट साइड आपको जो है कुछ इस तरह से पॉकेट मिलेंगे, जिसमें आप जो है वाटर बॉटल भी कैरी कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीजों की, जैसे कि अगर इसके अंदर इंजन कैपेसिटी देखी जाए, तो 109.51cc का इंजन इसके अंदर हमें देखने को मिल जाता है। माइलेज सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है दोस्तों, कंपनी क्लेम करते हुए दिखाई देती है 48 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज इसके अंदर मिलेगा। और अगर हम बाइक की वेट की बात करेंगे, तो 103kg का जो है इसका वेट हमें देखने को मिल जाता है। सीट हाइट 765mm की मिलेगी। फ्यूल टैंक कैपेसिटी इसके अंदर बनाई गई है 5.3 लीटर की, जो कि यहाँ पे हमें इसके अंदर मैक्सिमम पावर मिल जाती है 7.75 BHP की। तो ओवरऑल लुक्स एंड डिज़ाइन के हिसाब से काफ़ी बढ़िया जो है हमें बाइक देखने को मिल जाती है। तो ये थी कुछ हेलाइट्स और फीचर्स होंडा डियो 2023 के। अगर आपको एक स्कूटर में एडवांस्ड फीचर्स और मॉडर्न डिज़ाइन चाहते हैं, तो होंडा डियो डेफिनेटली एक कंसिडरेशन के लायक है। ये थे आज के वीडियो में, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें। हम जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।